तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके लिए मतलब अभी लेकिन मतलब जो साइबर लॉ है ना, तो मैं आपके लिए साइबर लॉ कुछ बताने वाला था। मैंने जो पिछली वीडियो मैंने फंडामेंटल्स वाली वीडियो बनाई थी ना, उसे मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको कुछ फंडामेंटल्स बताना है। मतलब फंडामेंटल्स के अलावा कुछ साइबर लॉ होते हैं, तो मैं आपको साइबर लॉ बताने वाला हूँ। तो आज जो साइबर लॉ है ना, वो स्टार्टिंग होता है मतलब कुछ 7-8 लॉ है, मैं आपके ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा और मैं बताता हूँ आपको क्या क्या लॉ है। तो जो साइबर लॉ शुरू होता है ना, वो अंडर 2000 आईटी एक्ट के तहत शुरू होता है। जो सबसे पहला रूल है ना आईटी का, वो है टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट सेक्शन 65 के तहत। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट किसी भी मतलब जैसे बोलते हैं ना कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको अगर टेम्पर करोगे ना, तो आपको सेक्शन 65 के तहत आपको सजा हो सकती है। जो सेकंड आईटी रूल है, हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम डाटा अल्टरेशन सेक्शन 66 के तहत, ये आपको सजा हो सकती है। जो थर्ड नंबर का है वो है फिशिंग फिशिंग ऑप्शंस इंफॉर्मेशन सेक्शन 67। उसके अलावा जो चौथा है वो है अनऑथोराइज एक्सेस टू प्रोटेक्ट सिस्टम। मतलब किसी का सिस्टम आप बिना मतलब ऑथोराइज अनऑथोराइज की तरह मतलब एक्सेस नहीं कर सकते सेक्शन 70। उसके बाद जो पांचवा है वो है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। अगर आप किसी भी सिस्टम को मतलब कोई भी ऑर्गेनाइज सिस्टम है, उसकी जो प्राइवेसी है, उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसको आप मतलब ऐसा ब्रीच नहीं कर सकते बिना परमिशन के। इसके अब अगर आप करते हो तो उसमें सेक्शन 72 के तहत आपको सजा हो सकती है। छठा नंबर का है वो है फिशिंग एंड फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर सेक्शन 73। उसके आगे जो है ऑफेंस सेक्शन के तहत, मतलब जो सजा अभी मैं बताने वाला हूँ, अभी तक मैंने आपको 6 बताया है। अभी जो ऑफेंस सेक्शन है उसकी मैं बता देता हूँ। जो सबसे पहला है वो सेंडिंग सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेज बाय ईमेल। अगर आप किसी को भी ईमेल से कोई भी मतलब बोलते हैं ना, कोई भी ऐसा रैंडम कोई भी ईमेल भेज रहे हो, तो इसमें भी आपको सजा हो सकती है सेक्शन 503 आईपीसी की धारा के तहत। जो सेकेंड नंबर है सेंडिंग डिफॉर्मिटी मैसेज बाय ईमेल सेक्शन 503 आईपीसी। उसके बाद है जो थर्ड नंबर का है वह है फॉर्जरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेक्शन 463 आईपीसी। उसके बाद है जो चौथा नंबर का है वह है बोगस वेबसाइट साइबर फ्रॉड सेक्शन 420 आईपीसी के द्वारा। उसके बाद जो पांचवा है ईमेल स्पूफिंग सेक्शन 463 आईपीसी के तहत। जो छठा जो है ना वो है सेक्शन वेब वेब जैकिंग सेक्शन 383 आईपीसी के तहत। और जो सातवा है वो है ईमेल अब्यूज सेक्शन 500 आईपीसी। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था, मैं आपको बताया था कि मैं आपको कुछ लॉ बताने वाला, तो यही जो लॉ है मैंने आपको जो भी लॉ बताया यही लॉ है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से अच्छे से पढ़ लेना। और मैं वीडियो लेके आने वाला जल्दी से, मैं फुट प्रिंटिंग में वीडियो लेके आऊंगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो। मैं आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।